जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। ये रिश्ता क्या कहलाता है? नानी, अरे तू यहाँ क्या कर रही है? बनने लगा कि तू ससुराल में होगी? जमाई साहब के साथ आई है क्या? नानी, माँ वो आप आ रही थी ना, इसीलिए मैंने अक्षरा को बुला लिया आपसे मिलने। अच्छा, आप समझी। अरे ननन भाभी को लेने आई है। राधे कृष्ण भाई जी, जल ग्रहण कीजिए। अरे राधे कृष्ण गोपी, लेकिन तू भूल गई क्या? अरे स्नान से पहले मैं जल भी ग्रहण नहीं करती हूँ। अरे राजश्री देख, तारी बहू पे कोई सुधार नहीं आया है। एक मारी बेटी को देख कैसी परंपरा का मान करती है, और महके में भी सर पे पल्ला दिए रहती है। और इसको देख, इसकी माँ ने कुछ भी नहीं सिखाया इसको। समधन जी, बातें तो बाद में होती रहेंगी, पहले स्नान कर लीजिए। ये मैं कह रही हूँ, बातें बाद में कर लीजिएगा, पहले स्नान कर लीजिए। आइए कमरे में चलते हैं। चलिए। आइए समधन जी, चलिए। बैठो रश्मि, बैठो बैठो। आओ। वो बेटा, तुझे अक्षरा की नानी के साथ देखकर मैं थोड़ा घबरा गई थी। वो क्या है कि माँ अचानक आ गई है, तो अभी हमें उन्हें कुछ बताने का समय नहीं मिला। आंटी जी, मैं समझ गई थी, आप टेंशन मत लीजिए, मेरी नानी से इस बार में कोई बात नहीं है। नानी के साथ रश्मि को देखकर मैं तो डर ही गया था कि अब नानी को सब पता चल जाएगा, लेकिन रश्मि ने बात संभाल ली। थैंक यू। और बताओ बेटा, कैसे आना हुआ? ये कुछ कागजात है, बाऊजी को इस पर भाभी की साइन चाहिए थी। प्रॉपर्टी के पेपर्स है, बाऊजी ने अक्षरा भाभी और नैतिक दादू के नाम एक प्रॉपर्टी खरीदी है, तो इसीलिए भाभी की साइन चाहिए। हाँ बेटा। जहाँ जहाँ नैतिक दादा की साइन है वहीं साइन करनी है। जी नहीं आंटी जी। बेटा, और कुछ नहीं कहा उन्होंने? जी नहीं। भाभी, हम सब आपको बहुत मिस करते हैं। घर बहुत सूना है, सब बहुत उदास है। आपके बिना तो घर जैसे काटने को दौड़ता है। भाभी प्लीज वापस आ जाइए। दादा भी बहुत चुप चुप रहते हैं, बस सुबह जल्दी ऑफिस चले जाते हैं और रात को भी बहुत देर से आते हैं। भाभी, मुझे पूरा विश्वास है, आप अगर घर आएंगी तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। प्लीज भाभी, आप मेरे साथ चलिए। प्लीज, आप चलेंगी ना?
माँ। माँ वो रश्मि का मतलब था कि अक्षरा को उसके ससुराल में सब बहुत याद कर रहे हैं। वो क्या है कि अक्षरा मायके बहुत कम आती है ना, तो सबको आदत हो गई है इसकी, होता है ना, बस इसीलिए बुला रहे हैं सब इसे, है ना रश्मि? और कोई वजह नहीं है, अक्षरा बस आपसे ही मिलने आई है। क्या बोल रही थी आप, बोल, सुनाई नहीं दिया ठीक से। माँ मैं बस ये कह रही थी कि आपके भोजन का प्रबंध हो गया है। हाँ। चलिए आप बैठ जाइए। अरे अक्षरा ननद से सिर्फ बातें करती रहेगी, तुझे नाश्ता भी करवाएगी, अरे रखे रखे ठंडा हो गया। अरे नहीं नहीं नानी, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। और अक्षरा न जावेगी तारे साथ? क्यों अक्षरा? माँ राधे कृष्णा अंकल। राधे कृष्णा बेटा। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। अच्छा आंटी जी अब मैं चलती हूँ, माँ राह देख रही होगी। राधे कृष्णा, मैं बाहर तक साथ जाती हूँ। और आपको रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, भगवान की कृपा से मैं ठीक ठाक पहुँच गई। अच्छा बात की बात है, बाद में होगी, पहले ये ले लो। माँ क्या इस बार फिर से? हाँ। नहीं, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, ये सब देखकर आप हमें पराया कर देती। अरे बेटा जो रीत है उसे निभाना चाहिए। अगर तुम मेरे यहाँ रहने का खर्चा नहीं लोगे ना, तो मैं अपनी बेटी के घर का पानी तक भी नहीं पीऊंगी, तो इसलिए मेरा मान रख ले बेटा। बेटी तो बेटी होती है, के बाद माँ उससे मिलने जाए तो भी बेटी पढ़ाई होती है। जहाँ जाऊंगी वहाँ रीत निभाऊंगी और निभवाऊंगी, ठीक है ना बेटा? जी माँ। बहुत देर हो गई, रश्मि नहीं आई अब तक। आप फिकर ना करें, आ जाएगी। मुन्ना आ गया, आजा बेटा चाय पी ले, गर्मा गर्म पकौड़े भी खा ले। ले बेटा। बाऊजी ये रहे पेपर्स। ये क्या है बाबूजी? बताता हूँ। अच्छा बेटा बताओ, जहाँ जहाँ नैतिक ने दस्तखत किए थे वहां पर अक्षरा बिटिया ने दस्तखत किए है ना? जी बाबूजी। बेटा ये हमारे जमीन के कागजात हैं, इस पर अक्षरा बिटिया के दस्तखत चाहिए थे, तो मैंने रश्मि बेटी को वहां भेजकर दस्तखत करवा लिए। हमारा एजेंट बस आता ही होगा, उसे देनी है ये फाइल, तुम भी देख लो और दे भी देना। रश्मि बेटा बहुत देर लग गई, हम सब परेशान हो रहे थे, वहां सब ठीक था? हाँ माँ, आज माँ भाभी की नानी आई है। नानी? अच्छा कैसे है नानी जी? बिल्कुल वैसी जैसी थी।
लेकिन माँ, उन्होंने नानी को भाभी के वहां रहने की वजह नहीं बताई। उन्होंने कहा कि नानी आज ही आई हैं, इसीलिए कुछ नहीं कहा। बात ही ऐसी है कि छुपानी तो पड़ेगी, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कैसे कटेगा एक एक दिन? हर पल मेरी तो सांस ही अटकी रहेगी कि माँ को पता चल गया तो क्या होगा। एक गलती हो गई मुझसे, माँ को अभी आने से रोक देना चाहिए था। एक बार अक्षरा अपने ससुराल चली जाती, सब कुछ ठीक हो जाता, फिर माँ को बुला लेते। देखिए, वो हमारी बड़ी है, जब चाहे आए जाए, ये घर उन्हीं का तो है। जी वो तो ठीक है, लेकिन माँ को यहाँ के हालात के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत मुसीबत खड़ी करेंगी। माँ की सोच तो आप जानते हैं, रीत और परंपरा की दुहाई देंगी। अक्षरा से जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, बहुत डांट सुनाएगी, और उनके हिसाब से तो अक्षरा, हम सब बहुत गलत है। वो कुछ भी नहीं समझेंगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि हमारी बेटी ससुराल छोड़कर मायके आई है। देखिए, अब स्थिति आप ही को संभालनी है, आप उनकी बेटी हैं, आप ही उन्हें समझा सकती हैं। जी, आपका मतलब है कि मैं सब कुछ माँ को बता दूँ? हम मानते हैं शौर्य की माँ कि माँ को समझाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आप एक बार हमारी बात उनके सामने रखकर तो। जी आपका मतलब ये है कि मैं माँ के पास जाकर सब कुछ सच सच। अरे राजश्री, हमारे घर में चाय के लिए कोई पूछेगा कि नहीं? जी आई माँ। विराजिए माँ। चाय पीजिए माँ, आपकी बहू बहुत अच्छी चाय बनाती है। ये कप धोकर लाई है ना? नानी जी, ये सारे बर्तन एकदम नए हैं, गंगा जल से धोकर पवित्र किए हैं। माँ जी, अब वर्षा आपके तौर तरीके को अच्छी तरह से समझती है, उसने शुद्ध और अशुद्ध का पूरा ध्यान रखा। अरे राजश्री, शाम हो गई है, ससुराल न जावेगी बिटिया? अरे इसकी ननद किस काम से आकर गई है? वो कुछ कुछ काम था माँ। अरे तो उसे रोक लेती, फिर साथ में दोनों ननद भाभी चली जाती। अरे राजश्री, कौन सा नया चलन है ये? अरे घर की बहू शाम को अपने घर में दिया बाती न करेगी क्या? थे? सारे ससुराल में आरती ना होवे? होगी तो क्या जवाई साहब आएंगे तन्ने लेने? माँ, अक्षरा कुछ दिन यहीं पर रुकेगी, मैंने खुद इसे रोका है, आप आ रही थी ना इसीलिए, और रश्मि इसलिए आई थी क्योंकि उन लोगों को इसके दस्तखत चाहिए थे कुछ जरूरी कागजात पर। बस इसे वहां नहीं बुलाया तो रश्मि को भेज दिया। ऐसे लड़की को ससुराल से बुलाया नहीं जाता है माँ, लेकिन उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। पर मन्ने है, अरे रीत का पालन करना चाहिए, यही सिखाया था ना तन्ने। अब जल्दी भेज देना अक्षरा को वापस, बेटी ज्यादा दिन मायके में रहे तो अच्छा ना लगे। ये इधर बैठी रहेगी तो ससुराल की रीत कौन निभाएगा? हाँ, भेज देंगे हम इसे समय से,
अरे देखिए, चाय ठंडी हो रही है, आपने चाय तो पी ही नहीं और कुछ खाया भी नहीं, पकौड़े लीजिए ना। बात मत बदल अक्षरा, तू बता। अरे ससुराल वालों के साथ अच्छी तरह से निभा रही है ना, सास को खुश रखती है कि नहीं, जमाई सा का ख्याल अच्छी तरह से रखती है ना। अरे ऐसे क्यों चुप हो गई, यही धर्म है ना तारा। माँ सब ठीक है वहां पर। नानी जी आप चिंता मत कीजिए, अक्षरा अपने कर्तव्य बहुत अच्छे से निभा रही है। बहू के कर्तव्य के बारे में थारे को बहुत ज्ञान है, खुद कितनी गलती करती है मालूम है तुझे, क्यों राजश्री जी? तन्ने भी फर्ज याद दिलाना पड़ेगा क्या माँ? अरे यही कि थारी छोरी दो चार दिन लेके जावेगी तो साथ में सबके लिए भेंट देकर भेजना, पर ये इतना बता दे कि कब जा रही है अक्षरा। अरे जमाई सास से ज्यादा दिन दूर रहना ठीक ना है, थारी सास ने तुझे भेज कैसे दिया? अरे कहीं वो तुझसे परेशान तो नहीं है ना? कैसी बातें कर रही है माँ, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत प्यार करते हैं वो लोग अक्षरा को, बहुत बहुत खुश हैं वो लोग इससे, और ये जल्दी वापस चली जाएगी, आप परेशान मत होइए ना, चाय पीजिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।